नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको मालूम है देश में कोरोना नामक एक महामारी आई है और इसमें कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात मेहनत करके रात दिन देश की सेवा में लगे हैं, मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स का नमन करता हूं। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूं आप भी देखते हैं कि ऐसे में कोरोना विलेंस भी आए हैं जो खलनायक के तौर पर काम कर रहे हैं और देश को उल्टा संकट में डाल रहे हैं अपने कृत्यों से। तो मैं उन्हीं खलनायकों को लेकर एक कविता लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों कविता कुछ इस प्रकार है। हवा हुई कुछ यूं जहरीली, नैतिकता परमार्थ सब शून्य हुए, इम्यूनिटी की बस बात हुई, ह्यूमैनिटी को सब भूल गए। हवा हुई कुछ यूं जहरीली, नैतिकता परमार्थ सब शून्य हुए, इम्यूनिटी की बस बात हुई, ह्यूमैनिटी को सब भूल गए। ऐसी बड़ी आपदा आई, सारे सिस्टम फेल हुए, चहु और चीख चित्कार मची, अपने अपनों से दूर हुए। वह तड़प रहा था पानी को, सब देख रहे थे खड़े हुए, अंत समय में पानी भी इंसान को नसीब न हो पाया, अंत सफर में चलने को उसका कोई न अपना आया। जो अपनों का कंधा था वो भी उसको न मिल पाया, इस बड़ी आपदा को तुमने अपना अवसर बना डाला, कुछ पैसों के लालच में तुमने अपना ईमान गंवा डाला। करते गर कोशिश तुम मरते हुए को भी बचा पाते, पर तुमने जीवित इंसानों को मौत का मुंह दिखला डाला। करते गर कोशिश तुम मरते हुए को भी बचा पाते, पर तुमने जीवित इंसानों को मौत का मुंह दिखला डाला। रोगी दवा को तरस गए, बिन ऑक्सीजन वो तड़प गए, जमाखोरी की ऐसी बयार चली, काला बाजारी फली फूली, चंद नोटों की खातिर कितना नीचे तुम गिर गए। गुजर जाएगी ये आपदा एक दिन, गुजर जाएगी ये आपदा एक दिन, ये चमन फिर गुलजार हो जाएगा, तुम सोचो आने वाले कल में खुद को क्या मुंह दिखलाओगे, जरा सोचना कि क्या खुद से नजरे कभी मिला पाओगे। तुम सोचो आने वाले कल में खुद को क्या मुंह दिखलाओगे, जरा सोचना कि क्या खुद से नजरे कभी मिला पाओगे। जाने कितनों के अपने छिने, जाने कितने घर सून हुए, हर किसी की बद्दुआ तुम यूं ही पाते जाओगे, गर चाहोगे तब भी तुम पश्चाताप नहीं कर पाओगे। हर किसी की बद्दुआ तुम यूं ही पाते जाओगे, गर चाहोगे तब भी तुम पश्चाताप नहीं कर पाओगे। अभी भी देर न हुई अमानुषों, यह प्रवृत्ति अभी बदल डालो, अभी भी देर न हुई अमानुषों, ये प्रवृत्ति अभी बदल डालो, हुई भयावह इस आपदा में मानवता का अवसर बना डालो, हुई भयावह इस आपदा में मानवता का अवसर बना डालो। जय हिंद दोस्तों।